हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। भारतीय मसालों को लेकर पिछले महीने जो विवाद शुरू हुआ था वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंगापुर, हांगकांग होते हुए ये विवाद अब नेपाल तक जा पहुंचा है। नेपाल ने भारतीय ब्रांड के दो मसालों पर बैन लगा दिया है। जिन दो ब्रांड के मसालों को नेपाल ने बैन किया है उसमें एवरेस्ट और MDH मसाला है। दोनों ही मसाले ब्रांड भारत में बहुत ही पॉपुलर हैं। तकरीबन हर घर में इन मसालों से बने खाने का जायका लिया जाता है, लेकिन नेपाल के लोग इन ब्रांड के मसालों का जायका फिलहाल नहीं ले सकेंगे क्योंकि नेपाल ने एवरेस्ट और MDH मसालों को बैन कर दिया है। नेपाल ने ये कदम दोनों ही मसालों में हानिकारक केमिकल मिलने के आरोपों के बाद उठाया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारी की माने तो उनके देश में इंपोर्ट होने वाले दोनों भारतीय मसाले ब्रांडों एवरेस्ट और MDH में हानिकारक केमिकल पाया गया है, इसलिए बाजार में इन मसालों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने तक मसालों की सेल बंद रहेगी। आपको बता दें कि MDH और एवरेस्ट दशकों से भारत में घर घर में किचन तक पहुंचा है। इन ब्रांडों के मसाले मिडल ईस्ट समेत दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। MDH और एवरेस्ट के मसाले न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के खाद्य सुरक्षा नियामक के कार्यवाहक उप महानिदेशक जेनी बिशप ने बताया कि MDH और एवरेस्ट मसाले न्यूजीलैंड में भी उपलब्ध हैं। इसमें घुले केमिकल से मनुष्यों में कैंसर का कारण बनता है, इसलिए हम इस मसालों की जांच कर रहे हैं। अप्रैल में हांगकांग खाद्य सुरक्षा निकाय ने दो ब्रांडों के चार मसालों उत्पादों पर बैन लगा दिया था। कुछ दिन बाद सिंगापुर की खाद्य एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड के अनुमेय स्तर से ज्यादा होने के कारण एवरेस्ट के फिश करी मसाले को वापस ले लिया। दावा है कि फिश करी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से कहीं ज्यादा है। FSSAI यानी कि सरकार की भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पहले ही MDH और एवरेस्ट के उत्पादों की गुणवत्ता जांच के आदेश दे चुकी है। इसने हांगकांग और सिंगापुर के खाद्य सुरक्षा नियामकों से भी विवरण मांगा है। आपको बता दें कि एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन रसायनक है। रूम टेम्परेचर में रखे होने की वजह से इससे मीठी गंध आती है। इस गैस का इस्तेमाल एथिलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल बनाने में होता है। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल डिटर्जेंट फॉर्म, दवाएं, एडहेसिव और सॉल्वेंट्स बनाने में भी होता है। खाने के मसालों में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। अस्पताल में इसका इस्तेमाल सर्जिकल इक्विपमेंट को साफ करने में किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड कितना खतरनाक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये इंसानों में कैंसर का कारण बन सकता है। लगातार सेवन से दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता है, इसीलिए मसालों में इसका इस्तेमाल होता है। मसालों के अलावा और भी कई खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल नेपाल में भी इसे बैन कर दिया गया है। हालांकि भारत में इसका निर्यात अभी भी हो रहा है, लेकिन इन सवालों के बाद MDH और एवरेस्ट मसालों की बिक्री और निर्यात पर क्या फर्क है? फिलहाल MDH और एवरेस्ट की बिक्री पर फिलहाल इन खबरों के बाद एवरेस्ट और MDH की बिक्री पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।